मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पापा क्या कर रहे तू? अरे मैंने क्या किया मैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अरे यार भैया साहब आपने क्यों ले लिया? अरे क्यों ले लिया मतलब ये स्टाफ पपीता का है? अरे पपीता जी का है लेकिन ये चैलेंज का हिस्सा है। अरे क्या चैलेंज का हिस्सा? क्या चैलेंज? क्या चैलेंज? इधर इधर भैया मैं बोल रहा हूं फटाफट बोलो। क्या चैलेंज? अरे बॉस क्या हो गया? मेरे स्कार्फ की वजह से आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं नहीं बबीता जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे सोडी बच्चे लोग देखो मैं जीत गया, मैंने पहले स्कार्फ उठा लिया। ए हमें क्यों? जेठा लाल तुम बार बार मेरे हाथ में बबीता का स्कार्फ क्यों खींच रहे हो? सोडी जेठा लाल कहाँ तुम लोग? ऐसे कोई धक्का मारते? अरे भाई हमारा ध्यान स्कार्फ पे था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे भाई मेरा ध्यान वो लड़की वाले अभी मुझे देखने आ रहे हैं तो उनके ख्यालों में था। ओहो वाह वाह बहुत चंगा। अरे वाह पोपट भाई क्या बात कर रहे हैं, आज आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं? हाँ दया भाभी मैं आपको बताने वाला था वो। एक मिनट शांति रख दया। अरे भाई कोई भी मिलने आने वाला हो ऐसे रास्ते में चलते चलते कोई ख्यालों में खो जाते हैं भला? मैं खोता हूँ तुम्हें इससे क्या? अरे इससे क्या क्या इससे क्या लग गया इधर सोटी को। ओ नहीं नहीं जेठा ब्रा ओ मैंने तो नहीं लगा। अरे भाई मुझे लगा। अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, तुम्हें लगा है ना तो शांत रहो ना भाई। और तुम्हें जो ये चोट लगी उसमें किसी की गलती नहीं थी, ये लोग कोई जानबूझ के थोड़े टकरा है, ये तो दुर्घटना थी। हाँ। ना पापा जीते और ना सोड़ी अंकल। तो फिर से रेस करते? अरे क्या फिर से रेस करते गोगी बेटा, देखो तुम बच्चे लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे तेरे पापा को सबको काम पे जाना है बेटा। मुझे भी वहाँ गोगी पुत्र वो आज बहुत खेल लिया, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके पापा चलो फ्रेंड्स गार्डन में चलते, चलो चलो। अरे चल चलो चलो भी यारो मैं भी गिराज चलना, कोई काम धंधे पे नहीं जाएगा आज। अरे भाई लड़की वाले अभी बस आते ही होंगे, भाई आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जरूर जरूर बहुत टाइम हम रुक रहे हैं। हाँ हाँ रुक जाएंगे रुक जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए, देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो आप लोग संभाल लेना। संभाल लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग ही पहले स्वागत करना, बाद में मैं टेक ओवर कर लूंगा। नमस्ते नमस्ते वेलकम। मामा मम्मी और कस्तूरी नमस्ते आइए आइए आहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोगों का स्वागत है, आइए। जी आप सब आ रहे हैं ये हमको पता होता तो आपका स्वागत फर्स्ट क्लास फूलों के हार से करते जी। और मिठाई वगैरह का भी इंतजाम करते। याद होकर अरे वो इतने सालों बाद आए तो आइए आप हमारे घर पर आइए, पोपट भाई हमारे भाई जैसे ही है। हाँ एक्चुअली पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। हाँ पोपटलाल हमारे बड़े भाई सब जैसे ही है। छोटा छोटा हाँ मतलब छोटे छोटे भाई जैसे। हाँ पर ये पोपटलाल है कौन? ये पप्पू मतलब पोपटलाल और वरिष्ठ युवा पत्रकार है, साथ में गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर भी है जी। पोपटलाल जो भी है पर लेकिन उसकी बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? जी आप अपनी बेटी की शादी के लिए इन्हें ही देखने आया ना? शादी शादी किसकी शादी कैसी शादी? हाँ मैं तो मेरा भांजा आत्माराम से मिलने यहाँ आया हूँ। कौन आत्माराम? क्या पोपटलाल मेरा नाम भूल गए? मैं आत्माराम भिड़े भाई। मामा शांति कितने दूर से आने अरे कस्तूरी कैसी है? अच्छा आत्माराम कितना संस्कारी है रे तू, सदा सुखी रहो सदा सुखी रहो। वो आत्माराम मेरी नात वो सोनू कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? हाँ सोनू तो अभी यही थी।
और पढ़ो और बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं, सोनू भी वही है। सोनू सोनू और बच्चे ए सोनू पग कोड़ा ले आजी आजोबा कस्तूरी आंत्या ओळखला तिने क्या बात अरे कस्तुरी आंत्या किती गोड दिसते केवढी मोठी झाली ही ते तुझ्यासारखी दिसते रे आत्मराव बरका मामाओ मी ये सब हमारे पड़ोसी है नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते सॉरी मामा जी दरअसल मैं कुमारा हूँ तो अभी अभी मुझे देखने कुछ लड़की वाले आ रहे हैं गलती से मैंने आप लोगों को वो समझ लिया सॉरी हाँ थोड़ी गलतफहमी हो गई नहीं गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और अगर गलतफहमी हो जाए तो वो तो सभी से होती है क्यों डरा दिया था आपने एकदम चलो वहां बाद में मिलते हैं चला गया मैं इधर आती हूं हां हां कमाल सॉरी भाई वो मैं गिर गया था ना तो थोड़ा सेटिंग हिल गया है तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो अभी वो लड़की वाले किधर है जो तुमको देखने के लिए आने वाले थे अभी वही जी जी कहाँ पहुंचे आप क्या क्या अरे अरे ऐसे थोड़ी चलता अरे 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 आप मेरी बात तो सुनिए सुनिए अरे हेलो 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 क्या अरे क्या बताऊं बताने लायक ही नहीं है पोपट भाई क्या हुआ वो कह रहा है कि वो जिस गाड़ी में आ रहे थे उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ लड़के का रिश्ता तय कर लिया ऐसा थोड़ी होता तो हंस क्या रहा है भाई पोपट भाई रिलैक्स आपकी शादी जल्दी हो जाएगी पोपट भाई मेरा मन भी यही कह रहा है वो तो उसका भी मन बरसों से यही कहता है जेठलाल अरे दया मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है चाय नाश्ता देना यार बहुत लेट हो रहा है आज अचानक आ गए तो हमें लग रहा है हमारी तो लॉटरी लग गई ये शिक्षक होके लॉटरी की बात करता है क्यों नहीं कर सकता ओहो मामा ये आपके मजाक करने की आदत कब जाएगी घाबर लो भी बसा, 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 बसा। मैं मस्त कड़क मसालेदार चाय लेकर आती हूँ पोहे पणा म्हणजे काय नहीं नहीं माधवी हम थोड़ी देर के लिए ही आए हैं और सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए ही आए हैं और अभी हमारी लंदन की फ्लाइट है पहले से ही देरी हो गई है लंदन अरे वाह क्या बात है ओ, पता ही नहीं पानी चाय की तकलीफ नहीं करना हम लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए जरूर रुकेंगे हे काय कस्तूरी आत्या आप आज ही आ और आपको आज ही जाना है आपको लंदन जाना था तो आपको पहले आना चाहिए ना हाँ आप लोग रुकते तो हमें अच्छा लगता मामा मामी आप आए तो हमें लगा कि आप मस्त रहेंगे अभी आराम से यहाँ अरे सुन भाई तुम्हारे घर रहना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए हम जरूर रुकेंगे बस बगा मामा नक्की नक्की आहो काम की बात कीजिए ना फ्लाइट का वक्त होने आया है हाँ, हाँ, हाँ। सुन भाई दरवाजा बंद कर आत्माराम तेरे नाना जी यानी मेरे पिताजी ने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी जिसे मैं संभालता था मेरी इच्छा थी कि वो जमीन बिकने के बाद उसके सारे पैसे परिवार में भतीजे भतीजी भांजा भांजियों में बांट दूं। तो आत्माराम वो जमीन बिक गई है और तुम्हारे हिस्से के 100,000 हम तुम्हें देने आए हैं सुलोचना 100,000
लो आत्माराम, तुम्हारे हिस्से के 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? दादा तुम कह रहे थे ना कि हमारे आने से तुम्हारी लॉटरी लग गई, ये लो अब सचमुच की लॉटरी लग गई। अरे आत्माराम देख क्या रहे हो, ले लो तुम्हारे 1,00,000 रुपए। नहीं 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 मामा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपके हक के पैसे है। अरे मेरा हक तो मुझे मिलता ही रहेगा तुम सभी बच्चों के प्यार के रूप में। मेरे लिए पैसा नहीं, तुम बच्चों का प्यार मान सम्मान ही सबसे बड़ा खजाना है। अरे आत्माराम मेरे लिए तुम सब पैसे से बढ़कर हो। हाँ हाँ आत्माराम ये लो रख लो बेटे, रख लो ना। माँ मामी आप हमें इतना प्यार करते मुझे मालूम नहीं था। अरे अरे सुखी रहो। सोनू ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। माला थैंक यू। खोल के देखो कैसी लग रही। मज़ा है। ओहो फ्रॉक। ओहो वो भी रेड कलर, मेरा फेवरेट। चल चल चल। ओहो क्या बात है। थैंक यू। चलो चलो फ्लाइट का वक्त हो गया है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे आत्माराम सुन भाई सोनू चलो हम निकलते हैं। मामा मामी आप सब रुकते तो कितना मजा आता। ओ खरस ना। लेकिन अभी आपका फ्लाइट का वक्त हो गया तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। आत्माराम अरे दुखी नहीं होना, देखो लंदन से आने के बाद हम कुछ दिन के लिए जरूर यहाँ रुकेंगे। हाँ लेकिन आने के बाद यही आना है। अब चलते। एक मिनट मैं पैसे रख के आता हूँ। सोनू तेरे लिए लंदन से क्या लाऊं? आप वापस आकर हमारे साथ रहने आना, वही मेरी गिफ्ट होगी। हो, अरे आत्मा तेरी बेटी तो तेरे से ज्यादा समझदार हो गई है। हाँ ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अब चलो देर हो गई चलते। हाँ चलो चलो। हैप्पी जर्नी, आराम से जाना। अच्छा पहुँचते बराबर मैसेज कर देना, फोन मत करना। हो गया आईएसडी है ना कशल आपने सब लिया ना पर्स वगैरह। बाकी ये तो गाओ नहीं। हाँ बाय बाय। तो पदर पदर चला मामा। ओके हैप्पी जर्नी। अच्छा हैप्पी जर्नी। माधवी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मामा जी हमें 1,00,000 रुपए देकर गए। वाह 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 वाह। अरे यहाँ क्या पाव पड़ रही हो, चलो घर पे जाके मंदिर में भगवान के सामने पाव पड़ते हैं। चलो चलो चलो, 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 चलो। बोला गणपति बप्पा। बप्पा आपकी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। हमें 1,00,000 रुपए मिले। खरे खरे माधवी, नाना जी की मेहनत, मामा जी का बड़ा दिल और मामी के अपनेपन से हमारा भाग्य खुल गया। वैसे आई बाबा इस 1,00,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा मतलब है कि आप लोगों के चेहरे पर जो करोड़ों अरबों की खुशी है उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच कहूं माधवी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, सब सपना लग रहा है। मतलब मामी का यहाँ पे आना, हमें 1,00,000 रुपए देना, खरच वाटत नहीं है। अब हम सबको कह सकते हैं कि हम लखपति हो गए। लेकिन मैं तो दोनों का पति बन गया। दोनों का पति मतलब? एक माधवी का पति ते माजम आईती है, दूसरी कौन? दूसरा लखपति। ये भी का झालं? आप दोनों हॉल में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो ले आ लोकर। नील के लड्डू मीठा कीजिए। ओहो देखो सबसे पहले आप लेडीज फर्स्ट, फिर तुम और अभी ये बचा हुआ मैं। अभिनंदन अभिनंदन। अरे तिल के लड्डू तो मामा जी को भी बहुत पसंद है। पता सुनो मामा जी का ना मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। हाँ और इनके मामा जी की बहुत इच्छा थी कि ये शिक्षक बने। हाँ सोनू मामा जी ने मुझे हमेशा सिखाया बेटा आत्माराम जिंदगी में अपने उसूल कभी मत छोड़ना। अरे मेरे बचपन के तो मामा जी के बहुत सारे किस्से, उसमें से एक खास किस्सा मुझे अभी भी याद है। मैंने बचपन में ना एक मिट्टी का घर बनाया था और किसी ने वो घर तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोया, 2 घंटे तक मैं रोता रहा। मामा जी मेरे पास आए और बोले आत्माराम तुम्हें घर बनाने में कितना समय लगा? मैंने रोते रोते बोला मामा जी मुझे 1 घंटा लगा घर बनाने में। तो उन्होंने बोला कि तुमने रोने में जितना समय गवाया ना वो 2 घंटे में तुम 2 घर बना सकते थे। ओह
कितने ऊंचे विचार है। और मामा जी हमेशा कहा करते थे कि भगवान ने हमें जो दिया है उस पे खुश रहना चाहिए, जो हमारे पास नहीं उसका गम नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमें लाख नहीं करोड़ों रुपए मिले हैं। माधवी, हम मिडिल क्लास वालों के लिए लाख भी करोड़ों के बराबर ही होते हैं। वैसे इस लाख रुपए के दर्शन तो कर ले। अरे बाप रे, एक दो तीन चार पांच सात सात आठ नौ दहा, एक लाख रुपए गणपति बाप्पा। माधवी, हम मिडिल क्लास तो कितने भी मेहनत करें तो भी मुश्किल से जमा हो पाते एक लाख रुपया। Can I have your attention please, लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े? ओह, एक लाख। बोलिए लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े की इकलौती बेटी लखपति सोनालिका भिड़े। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं गोगी के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। पूरी टपू से ना आज वहाँ पर पढ़ाई करने वाली है। So may I? Of course, you should go. चलो बाय बाय आई। बाय बाय। नीड अभ्यास करा। हाँ माधवी, इसे कहते मस्त मसालेदार कड़क अदरक वाली चाय। वाह। आओ, रोज मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। आज आप खुश है ना, इसलिए आपको ये चाय मसालेदार कड़क और अच्छी लग रही है। हो कि नहीं? हाँ खरा है, खरा है। वैसे माधवी, हमें जब ये एक लाख रुपए मिले ना, उसके हमें सोच समझ के प्लानिंग करनी है। हाँ, हम लोगों ने अगर पैसों का सही इस्तेमाल किया ना तो मामा मम्मी भी खुश हो जाएंगे। नहीं, वो भी है माधवी। लेकिन माधवी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें इस एक लाख रुपए का, क्या करें क्या करें क्या करें। आओ चलिए नीचे कंपाउंड में जाते हैं। का? आपको ऐसा लग रहा है ना कि कदम चलाने से दिमाग चलेगा, तो नीचे कंपाउंड में बहुत सारी जगह है, वहां चलेंगे तो दिमाग दौड़ेगा। चलिए चलिए नीचे। माधवी, यहाँ पे मुझे सूझ नहीं रहा है कि एक लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ए आइडिया, हम लोग एक लाख रुपए की इंश्योरेंस कंपनी ले तो। कंपनी डायरेक्ट? मतलब कंपनी की पॉलिसी ले तो। हाँ, नहीं लेकिन वो है पहले से। हम लोग स्कूटर ले लेते हैं ना। क्या फिर से स्कूटर? फिर से स्कूटर मुझे कहा है? स्कूटर काम में आएगी आपको? क्या काम आएगी स्कूटर? कितनी बार समझाना। देखिए, स्कूटर के आने से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करना, मसाले लाना वगैरह वगैरह काम आसान हो जाएंगे, और रिक्शे के पीछे भी भागना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट का है, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन किसने कहा मुझे परेशानी होती है? ठीक है, आपको परेशानी नहीं होती ना? नहीं। तो आप मेरे और सोनू के लिए स्कूटर खरीदिए, कम से कम घुमाने तो लेके जा सकेंगे। तुम्हें और सोनू को घूमने जाना है ना, तो अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, रिक्शा है, बस है, ट्रेन है, टैक्सी है, अब तो मेट्रो भी है, बोलो। लेकिन स्कूटर नहीं। सो बात की एक बात, में ये लाख रुपए स्कूटर पे खर्च नहीं करूंगा। काय हो तुम? आगे बढ़ो। एक काम करते, काय हम लोग एक लाख रुपए का घर ले लेते। वाह, बड़े हाथ ना तुम्हें। एक लाख रुपए में सादा घर का फर्नीचर नहीं आता। आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं? माधवी, मैं यहाँ पे घर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में घर खरीदने की बात कर रहा हूँ। पता है, हमारे जमाने में 30,000 रुपए में घर आता था। आपके जमाने में ना, इस जमाने में गांव में 1,00,000 रुपए में जमीन का सादा टुकड़ा नहीं आएगा। घर खरीदना है, खरीदना है। तो फिर क्या करे? आइडिया। क्या? माधवी, मोहल्ले में ना मस्त पे की एसी लगवा लेते हैं, एसी ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों की फीस भी बढ़ा दूंगा। शक्यस नहीं। का? पेरेंट्स लोग नॉर्मल फीस भी टाइम पे नहीं देते, आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं? और ऊपर से एसी का बिल आएगा, वो अलग से भरने वाले हैं आप? नहीं। तो आगे बढ़ी। फिर क्या करे, क्या मुसीबत है। पैसे ना हो तो टेंशन, हो तो टेंशन कि कहाँ इन्वेस्ट करे। मित्रों, अचानक आया मेहमान शायद कभी कभी खुशी नहीं देता, लेकिन अचानक आया धन जरूर खुशी देता है। धन बड़ा एक कमाल का होता है, ये शब्द धन, पैसा। अगर न हो तो कमाने की टेंशन, अगर हो तो बचाने की और इन्वेस्ट करने की टेंशन। पैसा अगर सही जगह इन्वेस्ट न किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वैसे आज के जमाने में तो पैसा इन्वेस्ट करने के इतने सारे विकल्प हैं कि पूछिए मत। जितने ज्यादा विकल्प उतने ज्यादा टेंशन। वैसे पैसा का यही है, एक के साथ एक फ्री, खुशी के साथ टेंशन बिल्कुल फ्री आता है। और जिंदगी में पैसा और समय बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए समय आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो सोच समझ के नहीं किया तो फिर टाइम पास हो जाएगा,
और धन अगर सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। जैसे आप अपना समय बहुत बढ़िया ढंग से इन्वेस्ट करते हैं तारक मेहता देखने के लिए, और तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखने के लिए आप समय इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना बढ़िया मिलता है, आपको हंसी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही अब देखना ये होगा कि भिड़े अपना धन किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किसकी सलाह मानते हैं, किसका मशवरा लेते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि भिड़े जो भी इन्वेस्ट करें जितना भी रिटर्न मिले, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा हंसी और ठाक ग्रुप में जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अपना समय इन्वेस्ट करेंगे ठीक 8:30 बजे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।